लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र है ना, ठाकरे राष्ट्र करो हमको चलेगा, लेकिन इधर जो नाम है वो दीपा पाटिल का ही आना चाहिए। पांच हुतात्मा हुआ है, उनका बलिदान देना पड़ा, और तभी वो लोग क्या था जो अभी हमारे बाप का नाम दो, हमारे बाप का नाम दो, तो वो तब कहां थे। मुख्यमंत्री साहब ने ये भी सोचना चाहिए, अरे तुम्हारे गांव में तुम्हारा नाम दो ना, तुम नाम देने के लिए हमारे गांव में क्यों आता है। नवीनबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपा पाटिल का साहब के लिए सर्वपक्षीय कृति समिति काम कर रही है, तमाम संगठनों के, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नेता इसमें लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ रिपाई के रायगढ़ जिला अध्यक्ष और पनवेल महानगर पालिका के उप महापौर जगदीश गायकवाड़ साहब हैं। गायकवाड़ साहब, आखिर इतना क्या इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि नवीनबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दीपा पाटिल साहब का ही दिया जाना चाहिए? या के लैंड अफेक्टेड पर्सन दीपा पाटिल साहब थे, या के सांसद दीपा पाटिल साहब थे, या के कॉरपोरेशन प्रेसिडेंट दीपा पाटिल साहब थे, या के विधायक दीपा पाटिल साहब थे, और जो कानून डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, तो इसकी अमेंडमेंट जो है वो करने का काम दीपा पाटिल साहब ने किया, और यहाँ के जिनकी जिनकी जगह सिडको में गई उनको 2.5% एपेसा है, मतलब जगह रिटर्न देने का जो कानून आर्टिकल बनाया वो दीपा पाटिल साहब ने बनाया। इसके लिए आज ये जो पूरे यहाँ के ओबीसी लोग हैं, एससी एसटी एनटी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, ये यहाँ पर एक साथ इसलिए जुड़े। मैं पार्टी किसी, ये आंदोलन में किसी पार्टी को नहीं मानता हूँ, मैं दीपा पाटिल के चाहने वाले लोगों को, जितने दीपा पाटिल को लोग चाहते हैं वो लोग ये आंदोलन में आ रहे हैं। आपने देखा 10 तारीख को जो आंदोलन हो गया है, वो आंदोलन में हमारे इधर जो लोग आए हैं 50,000 लोग लगभग जुड़े हमारे इस आंदोलन में, साखली आंदोलन जो किया है, लेकिन आज 1,00,000 के ऊपर लोग आएंगे। अब ये 50,000 लोगों में से एक को भी कोरोना हुआ नहीं, एक को भी हो रहा नहीं, वो भी आप मंगता है तो जांच कीजिए, आप कॉरपोरेशन से रिपोर्ट लो कि 10 तारीख को साखली के बाद पेशेंट बढ़ाए क्या, कोरोना पॉजिटिव बढ़ाए क्या, तो नहीं। ये सब दीपा पाटिल की मेहरबानी है, और इस धरती पे, अरे उनके 7-12 दीपा पाटिल का है, गांव दीपा पाटिल का है, नाम दीपा पाटिल का है, दीपा पाटिल ने गोली खाई है, दीपा पाटिल का खून गया है, उसके साथ हमारे सैकड़ों जो संख्या में हमारे माता बहन का स्तर तोड़ा है, अरेस्ट अनेक लोगों को यहाँ पर अरेस्ट हुआ है, ऐसे होते हुए 5 हुतात्मा हुआ है, उनका बलिदान देना पड़ा, और तभी वो लोग क्या था जो अभी हमारे बाप का नाम दो, हमारे बाप का नाम दो, तो वो तब कहाँ थे, तब देखने को आए यार, जब हम लोग मर रहे थे या देखने आते तो तुम्हारा नाम देता था। इधर नाम देना चाहिए, तो दीपा पाटिल ये ओबीसी समाज का, आगरी समाज का, दलित समाज का मसीहा है, और उनका ही नाम ये एयरपोर्ट को देना चाहिए, हमारी मांग है। जिस तरह से राज्य सरकार ने एक तरह से नकार दिया है कि अभी दीपा पाटिल साहब का नाम नहीं दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री ने एक पार्टी की स्ट्रीमलाइन पर यह साफ कर दिया है कि अभी एयरपोर्ट का नाम सिर्फ बाला साहब ठाकरे का दिया जाएगा, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर इनका हठ जो है अपने पिता के नाम को लेकर, ये कितना जायज है? वो क्या करेंगे, उनके पास सत्ता है, सरकार है, उनका गलत इस्तेमाल करेंगे, लोगों को अरेस्ट करेंगे, लोगों को मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम एयरपोर्ट का काम ही नहीं होने देंगे ना, कि 33% पैसा है वो हमारा है, तो इसके लिए हमारे पैसे पे हम ठहरेंगे ना किसका नाम देने का, और हम आदानी को इधर काम नहीं करने देंगे, पूरा प्रोजेक्ट बंद करेंगे तो नाम देंगे कहाँ से। सवाल ये है ना, मुख्यमंत्री साहब ने ये भी सोचना चाहिए, अरे हाँ तुम्हारे गाँव में तुम्हारा नाम दो ना, बराबर है, तुम नाम देने के लिए हमारे गाँव में क्यों आता है, हम तो झुग्गी झुगड़े में रहने वाले लोग हैं, हमारा ये मसीहा था तो उसका नाम देना चाहिए। ये दीपा पाटिल इधर का पॉपुलर लीडर थे, दीपा पाटिल ने इधर किसी ने नहीं किया, वो दीपा पाटिल साहब ने किया है, और दीपा पाटिल बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर थे, शिष्य थे, बाबा साहब ने कानून बनाया और अमेंडमेंट दीपा पाटिल साहब ने किया। जो विकल्प सरकार दे रही है कि एयरपोर्ट की बजाय दूसरा कहीं जगह पर कोई किसी प्रोजेक्ट का नाम दे दिया जाए, ये आपको कितना ठीक लग रहा है, आपको लगता है कहीं ना कहीं इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश है? यस, मैं बोलूँ क्या, रायगढ़ थाना छोड़ के दीपा पाटिल का नाम कहीं नहीं दिया जाएगा, बाला साहब ठाकरे का नाम पूरे महाराष्ट्र में दिया जाएगा, बराबर है। तो मेरा कहना ये महाराष्ट्र है ना, ठाकरे राष्ट्र करो हमको चलेगा, लेकिन इधर जो नाम है वो दीपा पाटिल का ही आना चाहिए। तुम किधर भी नाम दो, तुम्हारी सत्ता है, तुम नाम दो। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने जिन्हें हर जगह नाम दिया, बाद में दूसरे का सरकार आया तो नाम निकाल डाले, आधे नामे तो निकाल डाले। ये आंदोलन हमको नहीं चाहिए, हमारा
जो हक है वो हमें चाहिए। तो अभी देखो आज हमारे मनसे के लीडर ने जो कहा कि उधर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम देना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम मुंबई एयरपोर्ट में है, तो एक ही एयरपोर्ट का नाम किसी भी वर्ल्ड में आप जाओ, दो नाम का कोई एयरपोर्ट नहीं, दो नाम का कोई भी बस स्टॉप नहीं, दो नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं और दो नाम का कोई घर नहीं। तो ये जो अगर दो नाम दिया तो किधर से प्लेन किधर आएगा, किसको पता चलेगा? तो इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का छत्रपति टर्मिनल मुंबई में है, इधर जो है इधर चाहिए हमको दिवा पाटिल का नाम, और दिवा पाटिल का नाम रहेगा। आखिरी सवाल सर, जो 24 तारीख का आंदोलन, आपको लगता है कि जिस तरह से प्रकल्पग्रस्तों की भावना तीव्र है और डिमांड जिस तरह से चल रही है उसमें सरकार कहीं ना कहीं झुकेगी? अगर नहीं झुकेगी तो, अगर जिस तरह से दमनकारी रवैया अपनाने की कोशिश चल रही है, एक तरह का पुलिस ने इंटीमेशन इसका दिया है, इसके बाद क्या किस तरह की रणनीति होगी? सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा और हम सरकार को झुकाएंगे, हम सरकार को झुका के ही छोड़ेंगे और नाम दिवा पाटिल का ही देंगे। ओके, बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि प्रकल्पग्रस्तों के जो आंदोलन को जो समर्थन कर रहे हैं जगदीश गायकवाड़ साहब, उनका कहना है कि सरकार चाहे कोई भी रवैया रखे उसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि प्रकल्पग्रस्तों की भावना है कि नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिर्फ दीवा पाटिल का ही नाम दिया जाना चाहिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई।